हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुरधार की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में करीब 153 छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस पाठशाला में सिरमौर के अलावा साथ लगते शिमला जिले के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पाठशाला की मुख्य शिक्षिका कृष्णा राणा ने बताया कि नए सत्र की शुरुआत से ही स्कूल के अध्यापकों व स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से बच्चों को पाठशाला आने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल में बच्चों को निशुल्क सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। हम हर साल जब भी एडमिशन शुरू होती है तो सबसे पहले SMC के थ्रू जो मीटिंग होती है हमारी, SMC का प्रोस्पेक्ट वगैरह वो छपवाते हैं, और उसके थ्रू ये कोशिश रहती है हमारी कि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं फ्री मिल रही है, हर तरह की किताबें, वर्दियाँ, दूसरी स्कॉलरशिप वगैरह हैं। स्कूल के अन्य शिक्षकों ने बताया कि पाठशाला में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल की दीवारों को ज्ञान वर्धक शिक्षण सामग्री से सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस दुर्गम क्षेत्र में इस पाठशाला को नई तकनीक से जोड़ा जाए। हमारी कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लासरूम तैयार हो चुके हैं, बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, और इसका परिणाम ये निकला कि हमारे इस पाठशाला में नामांकन वृद्धि हो रही है, और इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय के लिए छात्रों का चयन हो रहा है। साथ साथ मिडल मेरिट स्कॉलरशिप जो एक नई योजना चली है उसके माध्यम से भी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी गत वर्ष हमारी पाठशाला से 2 बच्चे मिडल मेरिट स्कॉलरशिप में सफल हुए, जिसकी वजह से उन्हें अभी पहली किस्त के रूप में 48,000 रुपये की राशि मिली है, और आगामी 7वीं कक्षा में उन्हें 60,000 और 8वीं के लिए उन्हें 72,000 की राशि मिलेगी, जो एक गरीब परिवार या सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राशि होगी। सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुरधार की ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रदेश के तमाम विद्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। पाठशाला के अध्यापकों और प्रबंधन समिति के सहयोग से न केवल लोगों को बच्चे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि अच्छी शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य को भी उज्ज्वल बनाया जा रहा है। DD News के लिए सिरमौर जिला के हरिपुरधार से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।